और बैक को अगर डेवलप करना है तो एक मिथ है कि डेडलिफ्ट लगाना पड़ता है। भाई जरूरी नहीं है बैक को डेवलप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, थिक करने के लिए, कंडीशन्ड करने के लिए आपको डेडलिफ्ट लगाना ही पड़े, ठीक है। कैसे हैं मेरे छोटे बड़े भाई, उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो पिछला वीडियो जैसे चेस्ट के वर्कआउट का था, उसका दूसरा एपिसोड बहुत जल्दी चैनल पे आएगा। तो आज हम लोग करेंगे बैक का वर्कआउट, इसका भी उसी की तरह दो पार्ट में वीडियो बनेगा। कुछ एक्सरसाइज को हम लोग इस वाले एपिसोड में ऐड नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट सेशन में ऐड होगा। तो चलिए करते हैं बैक का वर्कआउट स्टार्ट अच्छे। तो पहला एक्सरसाइज करेंगे हम लोग ये चिन अप, और इसको कंबाइंड करेंगे लैट पुल डाउन के संग। ये इसको चिन अप या पुल अप आप कुछ भी बोलते हैं। तो ये एक सीक्रेट कह लीजिए या एक टेक्निक कह लीजिए अपने बैक को इम्प्रूव करने का, कि एक पुल मोमेंट, ठीक है, उसके संग एक डाउन पुल करने। जैसे आप देखो इसका नाम क्या है ना, चिन अप, मतलब चिन को हम लोग अप करते हैं, ठीक है। और वहां क्या करते हैं, लैट को लेट पुल डाउन। अरे कहना क्या चाहते हो? इस दोनों मोमेंट को आप लोग एक साथ परफॉर्म करेंगे, एक साथ नहीं मतलब सुपर सेट में कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे कि आप तीन सेट पहले चिन अप करेंगे, फिर तीन सेट लेट पुल डाउन, उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि आप लोग को कुछ डिफरेंस लगा ट्रेनिंग करने में या नहीं। तो सिंपल है, इसके बारे में सब जानता है। हाँ, और जिस भाई से अगर नहीं हो पाए ना चिन अप, तो वो क्या करेंगे, किसी अपने साथी से सपोर्ट लेंगे या फिर बैंड का सपोर्ट करके। आजकल तो मशीनें भी आ गई है बहुत अच्छी अच्छी जिसमें पिन लोडेड होता है, उसमें आप पिन लोड कर दीजिए, वेट लोड कर दीजिए, तो आपको ऊपर लिफ्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। तेरे बाप को मसीगा, चल। तो अभी उधर अपना कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग करेंगे लेट पुल डाउन। इस वाली मशीन में आप लोग जो नॉर्मल केबल वाली मशीन होती है ना, सिंगल बार वाली, वो भी बहुत अच्छी मशीन है, लेकिन आप लोग के जिम में अगर ये वाला है तो इस पे भी परफॉर्म करेंगे। इसका भी हम लोग चार सेट लेंगे मॉडरेट वेट से। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है, लेट पुल डाउन और चिन अप का, बहुत अच्छा पंप आता है इससे। तो इसमें आप लोग इतना वेट कैरी करिए कि आप लोग 10 से 12 रैप्स जाते जाते तक आपका मसल पूरा फेल हो जाए। इसका आप लोगों को चार सेट लेना है, ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और आगे देखिए कि इसके बाद हम लोग कौन सा वर्कआउट परफॉर्म करते हैं। वो बहुत अच्छा वर्कआउट है और बहुत लोग उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि आजकल मशीनें आ गई है नई नई, तो लोग उस पे परफॉर्म करते हैं उसको, लेकिन उसको हम लोग फ्री वेट से भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि जिस जिम में उसकी मशीन नहीं है तो आप लोग उसका अल्टरनेट फ्री वेट से कैसे ट्रेन कर सकते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो अभी अपना ये एक्सरसाइज लेट पुल डाउन कंप्लीट करने के बाद अपना ये तीसरा वर्कआउट है, चेस्ट सपोर्टेड डंबल रोइंग दोनों हाथ से, ठीक है। तो इसके लिए आजकल बहुत सारा इक्विपमेंट है ना जिम में, जो आप लोग देखते होंगे कि लिफ्ट लेते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में या फिर शहर के भी बहुत सारे क्षेत्र में, खासकर हम लोगों के बिहार में हर जिम में वो इक्विपमेंट नहीं है। लेकिन ये मल्टी एंगल जो बेंच है ना, ये हर जिम में है, और डंबल तो आयरन गेम का बेसिक है। तो आप लोग क्या करेंगे ना कि उसके मशीन के अल्टरनेट आप लोग इस वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे,
उसके लिए आपको बेंच को ऐसे सेट कर लेना है 45 डिग्री पे और पूरा स्ट्रेच करना। ये भी बैक का बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, आप लोग इसको अपने शेड्यूल में इंक्लूड कीजिए। हर एक्सरसाइज की तरह इसमें भी आप लोग को धीरे धीरे वेट को बढ़ाते जाना है और 4 सेट कंप्लीट करना है, 3 से 4 सेट। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हम लोग करेंगे परफॉर्म बेंट ओवर बारबेल रो को, सबसे कंट्रोवर्सियल एक्सरसाइज एक तरह से कहे तो बैक का यही है कि इसको करने से लोअर बैक में इंजरी होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये बढ़ता तब है या फिर होता तब है ना जब आप अच्छे टेक्निक से और सेफ्टी के साथ परफॉर्म नहीं करते हैं, आप ईगो लिफ्ट लेते हैं तो इससे इंजरी होती है, और 100% होती है, ठीक है। लेकिन ये भी है कि इससे बैक भी बहुत अच्छी डेवलप होती है, वो भी 100% अच्छी बैक डेवलप होती है, ठीक है। तो आप इसको परफॉर्म करने से पहले अपने एब्डोमेन बेल्ट को अच्छे से टाइट से लगाएंगे, फिर शोल्डर के अकॉर्डिंग अपने पैर की चौड़ाई को रख के, बहुत सारे लोग ऐसे ग्रिप करते हैं लेकिन ऐसे ग्रिप करना ज़्यादा अच्छा है। फिर लिफ्ट लेके आगे की तरफ झुक के ऊपर की तरफ लिफ्ट लेंगे। इसका भी हम लोग 4 सेट परफॉर्म करेंगे, हर सेट में थोड़ा थोड़ा वेट को बढ़ाएंगे, लेकिन जब ऐसा लगे कि लोअर बैक अच्छे से नहीं है, स्ट्रेट नहीं है या फिर राउंड हो रहा है तो वेट को कम करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और इसको हम लोग अच्छे से परफॉर्म करके एक अच्छा बैक डेवलप करेंगे, ठीक है। तो इसका सेट हम कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट वर्कआउट में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक आप लोग वीडियो पे बने रहिए। तो बेंट ओवर खत्म करने के बाद अब हम लोग परफॉर्म करेंगे 1 आर्म डंबल रोइंग, ठीक है। इसका भी बहुत सारा टेक्निक है ना, कुछ लोग क्या करते हैं इसको फ्लैट करते हैं, कुछ लोग इसको फ्लैट करके इस मूवमेंट को करते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा इंक्लाइन कर देते हैं फिर इस मूवमेंट को करते हैं। तो हम लोग करेंगे इसके बीच का, कोई भी गलत नहीं है, हम लोग किसी मूवमेंट को या किसी एंगल को बुरा या भला नहीं बोल रहे हैं। आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस एंगल को, इस टेक्निक को ट्राई करिए, उसके बाद रिव्यू दीजिए, हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है आपको पसंद ना आए, तो आप बताइए। तो इसके लिए हम लोग फिर इंक्लाइन बेंच का यूज़ करेंगे, 30 डिग्री पे इसको लेंगे और इतना ही वेट कैरी करेंगे जितना हम लोग 10 से 12 रेप्स ईजिली परफॉर्म कर पाए। ईगो लिफ्टिंग इसमें भी नहीं करना है, ठीक है। और सेफ्टी के लिए एब्डोमेन बेल्ट को पहनना। इसमें भी आप लोगों को वेट इंक्रीज करते रहना है हर सेट में, और लास्ट में फेल्योर तक जाना है ताकि मसल अच्छे से फेल हो जाए, ठीक है। लेकिन ईगो लिफ्ट नहीं करना, क्योंकि बैक में अगर इंजरी हुई ना तो सबसे पहले लोअर बैक ही इंजर्ड होता है। बैक में अगर कहीं भी लोअर बैक का पेन बहुत खराब होता है, बहुत मतलब सहना पड़ सब पूरा सह क्या मतलब पूरा लेटे रहोगे दिन भर बेड पे, इसीलिए कम वेट कैरी करना है और स्लो स्लो अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज कराना है। तो अभी इसको वेट बढ़ा के हम लोग ट्राई करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो अब हम लोग सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज में डंबल्स रख करेंगे ट्रैप्स मसल के लिए, ये भी बैक का इंक्लूडिंग मसल होता है। तो इसको परफॉर्म करेंगे मॉडरेट वेट से, ठीक है। इसका भी 3 से 4 सेट लेना है, तो जल्दी जल्दी हम वर्कआउट को दिखा देते हैं ताकि वीडियो
लंबा नहीं हो और आप लोग बोर नहीं हो। इसका भी 10 से 12 रैप्स, 3 से 4 सेट। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट लोअर बैक का वर्कआउट, जिसमें रैक पुल भी कर सकते हैं और डेडलिफ्ट भी कर सकते हैं, हाइपर एक्सटेंशन है, गुड मॉर्निंग है। तो ये 4 अच्छा वर्कआउट लोअर बैक के लिए है। तो इसमें से कोई एक एक्सरसाइज आप लोग अपने लोअर बैक के लिए दीजिए। लोअर बैक को भी स्ट्रेंथ देना बहुत जरूरी है, इसलिए उसको आप लोग लास्ट में एक बार जरूर परफॉर्म करिए, लेग के दिन और अपने बैक के दिन। तो आज हम करेंगे हाइपर एक्सटेंशन। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में हाइपर एक्सटेंशन को देखिए और वीडियो हो जाएगा ख़त्म। अगर थोड़ा भी कुछ सीखने के लिए मिला है तो आप उसको लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी बहुत सारा वीडियो आना बाकी है। हर मसल ग्रुप का हम लोग 2 वर्कआउट सेशन अपलोड करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे लास्ट वीडियो था चेस्ट का, आज हो गया बैक का, फिर वैसे ही चेस्ट का एक और वर्कआउट सेशन आएगा। तो आप लोग उसको भी देख के एंजॉय करिए और सीखिए कि कैसे कैसे वर्कआउट करके अपने आप को आप नॉलेज से भी डेवलप करेंगे और आपके चेस्ट को भी अच्छे से डेवलप करेंगे। और कोई भी डाउट हो, सवाल हो, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जो लगेगा बताने लायक वो हम लोग कोशिश करेंगे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाने का, या आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आपके सवाल को सॉल्व करने का। तो चलिए अभी हम हाइपर एक्सटेंशन लगाते हैं। तो एक बात और याद आ गया, इसीलिए हम सोचे कि आप लोगों से पूछते लो, नेक्स्ट वर्कआउट सेशन आप लोग किस पे देखना चाहेंगे, शोल्डर पे या फिर बाइसेप ट्राइसेप पूरे आर्म्स पे? मतलब बाइसेप ट्राइसेप दोनों हो गया आर्म्स में। तो आप लोग जो भी सजेशन देंगे हम उसी पे नेक्स्ट वीडियो लाने का कोशिश करेंगे अपना 100%, ठीक है। ये वीडियो तो रिलीज हो जाएगी 27 को, तो 29 को अपना टारगेट है नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने का, ठीक है। तो आप लोग सजेशन दीजिए कि किस पार्ट पे अगला वीडियो देखेंगे, शोल्डर पे देखेंगे, लैग्स पे देखेंगे, एब्डोमेन पे देखेंगे, ऑब्लिक पे देखेंगे, या फिर आप डोला यानी कि आर्म्स पे देखेंगे। जिस पे कमेंट होगा पूरा कोशिश रहेगा कि उसी पे नेक्स्ट वर्कआउट सेशन डाला जाए। और बैक को अगर डेवलप करना है तो एक मिथ है कि डेडलिफ्ट लगाना पड़ता है। भाई जरूरी नहीं है बैक को डेवलप करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए, थिक करने के लिए, कंडीशन्ड करने के लिए आपको डेडलिफ्ट लगाना ही पड़े, ठीक है। उसके अलावा भी बैक अच्छे से आप डेवलप कर सकते हो और बहुत खूबसूरत बैक बना सकते हो, ठीक है। तो आप लोग वर्कआउट सेशन को एंजॉय करिए और कोई भी सवाल हो तो उसको पूछिए। चलिए धन्यवाद।